श्रुति श्रीवास्तव, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि अयोध्या में एटीएस की कार्रवाई पर एक बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल राम मंदिर का नक्शा चुराने की फिराक में ये तीनों लोग थे और खालिस्तान समर्थक हरमिंदर सिंह के निर्देश पर ये तीनों आए हुए थे। कल अयोध्या से गिरफ्तार किए गए थे गैंगस्टर समेत तीन बदमाश। गैंगस्टर समेत तीनों बदमाश अयोध्या में रैकी कर रहे थे। ये तीनों जो बदमाश है वो टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, जिसका नाम शंकर लाल दुसाद है और साथ ही दोनों बदमाश और मौजूद थे। इनको ही यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई में जुट गई। बताया जा रहा है कि कल अयोध्या से गिरफ्तार ये तीनों बदमाश अयोध्या में रैकी करने के लिए आए थे और किसी बड़े फिराक में थे। ये भी बता दें आपको कि गैंगस्टर समेत तीनों बदमाशों को अयोध्या में रैकी करते हुए गिरफ्तार किया गया और साथ ही खालिस्तान समर्थक हरमिंदर सिंह के निर्देश पर ये तीनों बदमाश आए हुए थे। इस खबर पर हमारे संवाददाता संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, अयोध्या में एटीएस की कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है। खालिस्तान समर्थक हरमिंदर सिंह के निर्देश पर तीनों संदिग्ध बदमाश अब पकड़े गए हैं। क्या कुछ और अहम जानकारी, किस लिए आए थे? देखिए, ये चूंकि सीकर के रहने वाले हैं, जो मुख्य जो गैंगस्टर है शंकर दोसाद या शंकर जाजोद जो है वो सीकर का रहने वाला, और उसके साथ दूसरा जो प्रदीप पुनिया है वो भी सीकर का रहने वाला, एक जो है वो झुंझुनू का है। शंकर की जहां तक बात करें तो ये हार्डकोर बदमाश है और जिले का काफी दिनों तक मोस्ट वांटेड रहा है, जिसमें लूट डकैती सहित कई तरह के जो मुकदमे दर्ज हैं। 2014 में बीकानेर सेंट्रल जेल में जो बलवीर बानुड़ा की हत्या हुई थी आनंद पाल गिरोह में, उसमें भी ये साजिश में शामिल रहा था, तो वहां भी अरेस्ट हुआ था। अभी क्योंकि 2016 में गिरफ्तार हुआ, उसके बाद में अभी 7 साल लगातार जेल में रहा था। इस समय ये माना जा रहा है कि अभी जो पुलिस को जो इनपुट मिला उसमें ये बात सामने है कि यहाँ पर जेल में रहने के दौरान ही जो है ये जो खालिस्तानी समर्थक है उनके संपर्क में आया, और वहां से जिस तरह की जानकारी मिली है, जो एटीएस ने यहाँ जो पुलिस को भी जो जानकारी दी उसमें ये है कि ये लोग रेकी कर रहे थे और नक्शे भेजने की जो जिम्मेदारी है वो इनको दी गई थी, तो उसको लेकर के ये अयोध्या पहुंचे थे। फिलहाल जो एटीएस है उसने सीकर पुलिस से इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो मांगा है और पूरी इनकी जो इनके बारे में जानकारी जो भी पुलिस के पास है वो मंगवाई जा रही है। हालांकि पुलिस ने भी पाबंद करवाया था इसको, क्योंकि आदतन अपराधी है, तो निश्चित रूप से अभी हमारे थाना अधिकारी से बात है, उनका कहना था कि पाबंद करवाया गया था, लेकिन उसके बाद ये अयोध्या कैसे पहुंचा इसको लेकर के सीकर पुलिस के पास फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। हालांकि आदतन जो अपराधी है और कई जो बड़े मामलों में ये शामिल रह चुका है, खुद भी ये अगर इसकी बात करें तो खुद ने रामनवमी पे बड़े बड़े पोस्टर पिछली बार जो भगवान राम के लगाए थे, खुद को राम भक्त बताता है, उसके बाद इस तरह के संपर्क में कैसे है इसको लेकर के पुलिस जांच कर रही है। जी संदीप, क्या और कोई खुलासा हो पाया है, क्योंकि तीनों तो पकड़ लिए गए हैं, क्या तीन ही आए थे या अभी इनकी और गैंग वहां पर सक्रिय है? देखिए, ये जो यहाँ से जो गए थे झुंझुनू और सीकर से, तीन ही लोग बताए जा रहे हैं, और उसमें चूंकि पूछताछ जो है वो यूपी की एटीएस कर रही है, यहाँ से जो पुलिस को जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक इनके बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर यह माना जा रहा है कि तीन ही लोग जो है वो वहां पे गए थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी देने के लिए। तो राम मंदिर का नक्शा चुराने की फिराक में ये तीनों बदमाश अब पकड़ ले गया है। अयोध्या में एटीएस यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई पर खुलासा हुआ है और साथ ही सीकर से यानी कि राजस्थान से इसका कनेक्शन बताया जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि ये तीनों बदमाश क्या और भी कोई इसका गिरोह, फिलहाल जो जानकारी मिली है यही तीनों सक्रिय थे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस बीच दिल्ली से भी बड़ी खबर आपको बताते चले कि पिटबुल के हमले में मासूम बुरी तरह से घायल हो गया है। हमले का सीसीटीवी भी सामने आया है। 5 से 6 लोगों भी मासूम को पिटबुल से नहीं छुड़ा पाए। 1.5 साल की मासूम को पिटबुल ने जख्मी कर दिया। पिटबुल ने दादा की गोद से मासूम को छीना और फिर मासूम के पैर की हड्डी 3 जगह से टूटी है। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1.5 साल की मासूम को पिटबुल ने नोच डाला। कई सारे लोग छुड़ाने की कोशिश किए, उसके बाद भी पिटबुल से बच्ची को नहीं छुड़ा पाए। दादा की गोद से पिटबुल ने उस बच्ची को छीन लिया। ये देखिए कि किस तरह से बच्ची को वो पिटबुल नोच रहा है। 1.5 साल की मासूम बच्ची उसके पैर पे और पिटबुल को 4 लोग छुड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ रहा है बच्ची को। 3 जगह से हड्डियां, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, माँ की गोद में वो बच्ची
कितनी दर्द से वो सह रही होगी, कितना दर्द उसको हो रहा होगा। तीन जगह से उसकी हड्डी टूटी हुई बताई जा रही है। वही वो मासूम बच्ची है, अपने दादा की गोद में थी, दादा की गोद से पिटबुल ने किस तरह चिल्ला, ये आतंक पिटबुल का थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। किस तरह की तमाम खबरें हम देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी पिटबुल एक कुत्ते ने शिकार बना लिया था एक बच्चे को। इस तरह की खबरें लगातार आती हैं और जरूरत है अब एक सख्त कदम की। हालांकि पहले भी कदम उठाए गए हैं, सख्त कार्रवाई दी गई है, बताया गया है कि पिटबुल अगर जिसके पास हो, पहली बात तो रखना ही गैर कानूनी है बता दिया गया है, लेकिन अगर जिसके पास हो उसके पास बकायदा लाइसेंस होना चाहिए। और जिस तरह पिटबुल के गले में पट्टा बंधा हुआ है, इसका मतलब कि वो पालतू पिटबुल ही था और वो रोड पे लेके जा रहा होगा, नहीं संभाल पाया और बच्ची को उसने शिकार बना लिया। दिल्ली से बड़ी खबर आपको एक और बता दें, जहां पर बाबर रोड का नाम बदलकर अब अयोध्या मार्ग करने की मांग की गई है। हिंदू सेना ने पोस्टर लगाकर अयोध्या मार्ग करने की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने आनन फानन में ये पोस्टर हटवा दिए हैं। अयोध्या मार्ग का हिंदू सेना ने यह मांग की है। बाबर रोड पर देखिए जो स्लेट लिखा हुआ है, यानी कि जो साइन बोर्ड है जिसपे बाबर रोड लिखा हुआ है, उस पर हिंदू सेना ने अयोध्या मार्ग का बोर्ड लगा दिया। अब दिल्ली पुलिस ने आनन फानन में इसको पोस्टर को हटवा दिए हैं। बहुत लंबे समय से मांग थी कि जिहादी आतंकवादी बाबर का नाम बदलकर किसी महापुरुष के नाम रखा जाए और आज वह काम हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने किया है। जब अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और अब 22 तारीख को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है, तो दिल्ली में बाबर रोड का अब क्या काम। हिंदू सेना ने बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग करने की मांग की थी और यहीं पर वो फिलहाल पोस्टर लगाए गए थे। हिंदू सेना की तरफ से ये मांग की गई थी कि जो फिलहाल पोस्टर है, जो ये रोड है बाबर रोड, उसका नाम अयोध्या मार्ग रखा जाए। हालांकि इसकी सूचना जब दिल्ली पुलिस को मिली तो दिल्ली पुलिस ने फिलहाल उस पोस्टर को अब यहां से हटा दिया है, लेकिन ये वही जगह है जहां पर हिंदू सेना की तरफ से फिलहाल पोस्टर लगाए गए थे। हिंदू सेना की तरफ से सीधे तौर पर सरकार से ये मांग की गई कि जो बाबर रोड है उसका नाम बदलकर अयोध्या मार्ग किया जाना चाहिए। साफ तौर से 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और इसी के मद्देनजर बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग करने की मांग हिंदू सेना की तरफ से की जा रही है। बहरहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से जब उनको ये सूचना मिली कि होटल ललित के पास जो बाबर रोड है उस पर किसी तरीके का पोस्टर लगाया गया है, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर पहुंचकर वो पोस्टर हटा दिए गए। अभी फिलहाल वो पोस्टर यहाँ पर हटा दिए गए हैं, लेकिन हिंदू सेना की तरफ से प्रेस स्टेटमेंट जारी करके सरकार से ये मांग की गई है कि बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग रखा जाए। कैमरामैन प्रकाश के साथ सुशील पांडे, News 18 दिल्ली। हर तरफ राम नाम की धुन और हर तरफ अध्यात्म और भक्ति भाव से लोग उत्प्रोत हैं। मात्र आज से 2 दिन बाकी है जब हर घर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जगमग होंगे हर घर। और इसी तरह गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति को कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाया है। 5 साल के रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच रखी गई है और इसके चारों तरफ आभा मंडल है। वहीं मूर्ति के दाएं से बाएं तक भगवान विष्णु के 10 अवतार बनाए गए हैं। भगवान विष्णु ने कूर्म का अवतार लिया था, वामन का अवतार लिया था, नरसिंह का अवतार लिया था, परशुराम, साथी राम, कृष्ण, मत्स्य, वारा, बुद्ध और कल्कि का अवतार लिया गया था। रामलला की प्रतिमा के सिर पर सूर्य विराजमान है और वहीं आभा मंडल के नीचे राम जी के परम भक्त हनुमान जी बनाए हैं। इसके अलावा मूर्ति पर सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह जैसे कि स्वास्तिक, ओम,
चक्र और गदा भी उकेरे गए हैं। रामलला की मूर्ति को कमल के आसन पर विराजित किया गया है और प्रभु श्री राम विष्णु भगवान का अवतार थे, इसलिए भगवान विष्णु से जुड़े इन चिन्हों को शामिल किया गया है जो प्रभु श्री राम की मूर्ति को और भी ज्यादा भव्य बना रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है ये अहम तस्वीर है, 51 इंच की 5 साल की सांवले रंग में ये मूर्ति आपको बता रही है कि 10 अवतार भगवान ने कब कब लिए, और साथ ही ये भी क्योंकि राम कृष्ण जी के अवतार हैं तो उनके सर पर शेषनाग सूर्य, और साथ ही कहा जाता है कि हनुमान राम हनुमान के बिना कुछ नहीं, इसलिए उनके बाई और दाई और नीचे की तरफ पादुका की तरफ हनुमान जी भी विराज किए गए हैं, गरुड़ भी विराजमान है। तो शेषनाग और धनुष बाण, आपको बाएं हाथ में धनुष बाण, दाएं हाथ में तीर दिख रही है, चारों तरफ पांच, एक तरफ जहां पर आपको वामन नृसिंह वराह कुर्म और मत्स्य, और इधर परशुराम कृष्ण राम बुद्ध और कल्कि का अवतार भी दिखाया गया। बहुत ही बेहद ही सुंदर और आकर्षक मूर्ति बनाई गई है। और अब अयोध्या में एक ही नाम है, वो है जय श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी, घर लौटे अयोध बिहार गर्भगृह में आए हुए हैं, और सीधे हम लेकर चलते हैं अयोध्या, जहां से मेरी साथी प्रियंका जुड़ी हुई हैं और बता रही हैं कि किस तरह राम नगरी राम मैं है, किस तरह राम नगरी राम के बोल से गुंजयमान है। तो सीधे प्रियंका की तरफ रुख करते हुए, प्रियंका जहां पर आप हैं बेहद मुझे समझ में आ रहा है, आप सरयू नदी के आसपास ही कहीं नजर आ रही हैं, नजारा कहां वहां का क्या है, और मात्र 2 दिन है जब इंतजार की एक एक पल भारी हो रहा है लोगों के लिए। प्रियंका बिल्कुल श्रुति, महज 2 दिनों का वक्त बचा है प्रभु श्री राम लला के प्राणों की प्रतिष्ठा में, और आपने सही कहा कि पूरी अयोध्या नगरी राममय है और सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, वो है प्रभु श्री राम का। ये तस्वीर जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं ये है राम की पैड़ी, सरयू घाट से कुछ ही दूरी पर ये पड़ता है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक और जहाँ पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से कुछ अपील करें और इसका असर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी लगातार ये तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि वो खुद साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक और वो अनुष्ठान कर रहे हैं 11 दिनों का, तो वही दूसरी ओर उनके अपील पर लोग साफ सफाई भी कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि राम की पैड़ी पर कुछ लोग हाथों में झाड़ू लेकर साफ सफाई में लगे हुए हैं, तो वही दूसरी ओर भव्य और अद्भुत नजारा इस वक्त प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से हम दिखा पा रहे हैं, जहां पर चारों ओर अयोध्या नगरी राममय है, कहीं श्री राम के धुन बज रहे हैं, कहीं पंडित स्तोत्र गा रहे हैं, कहीं मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है, और यकीन मानिए ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम त्रेता युग में आ गए हों, और स्वर्ग जैसी अनुभूति जब हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोगों से बातचीत की कोशिश करें। कहाँ से हैं आप? यही अमानीगंज फैजाबाद से। यही से हैं? कैसा लग रहा है यहाँ पर अयोध्या में, क्योंकि इतना सुंदर इतना भव्य लग रहा है, मन हो रहा यही अयोध्या में ही रहे हम लोग, इतना सुंदर है। इतनी ठंड में हम लोग भागे भागे चले आए कि चारों तरफ घूम के दर्शन करके आए हैं। प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन है हर कोई? लीन है सब, खुश है। यहीं से दोनों लोग साथ में ही हैं। बस की यात्रा और अच्छी जो है, बस से आए 10 रुपए में। अंदर एंट्री नहीं मिल रही थी? नहीं मिल रही, अब यहाँ एंट्री क्यों मिलेगी, यहाँ पब्लिक है। अच्छा, तक आए हम लोग लता मंगेशकर चौराहा तक। बिल्कुल, तो देखिए लता मंगेशकर चौराहे तक लोग अपनी गाड़ियों से आ सकते हैं, लेकिन उसके आगे जो व्हीकल्स हैं उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही है, सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद खास तैयारियां की गई है। ये तस्वीर दिखाइए, ये मंच यहां पर आप जो देख पा रहे हैं ये राम की पैड़ी पर मंच मौजूद है राम उत्सव को लेकर, और यहाँ पर रोज शाम को भजन कीर्तन किए जाते हैं, और बेहद अद्भुत नजारा उस दौरान भी होता है जब यहाँ पर भक्त बड़ी संख्या में पहुँचते हैं और भगवान श्री राम के भजनों में खो जाते हैं। तो तस्वीरें लगातार आप देख पा रही हैं श्रुति, किस तरीके से यहाँ पर जबरदस्त उत्साह और बेहद खास तैयारियां लोगों की ओर से की जा रही हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम को लेकर 500 सालों का लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ गया। कहाँ से हैं आप? हम लोग अयोध्या से ही हैं। अयोध्या से हैं जी। अभी तो वर्षों पुराना सपना पूरा हो रहा है, ये हम लोग कई वर्षों का पूरा हो रहा है, इस समय भगवान के समय त्रेता युग, आज त्रेता युग आ गया है, और हम लोग अयोध्यावादी बहुत प्रसन्न हैं,
भगवान आ रहे हैं हमारे ठाकुर जी, सबका कल्याण करे, पूरे विश्व का कल्याण हो, ये हमारे हम लोग की भावना है। जय श्री राम, जय सिया राम। तो लोगों का कहना है चूंकि प्रभु श्री राम यहाँ पर आ रहे हैं तो पूरे विश्व का कल्याण करेंगे, और जाहिर है कि पूरे विश्व से लोग भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सभी के जुबान पर एक ही नाम है, प्रभु श्री राम का। कुछ भक्तों से बात करेंगे। कहाँ से हैं आप? जी मैं गोंडा से हूँ, पास में ही पड़ता है गोंडा। गोंडा पास में ही है? हाँ। अभी पहली बार आ रहे हो? नहीं नहीं, हम तो बचपन ही यहाँ देखते थे, काफी टाइम बाद आए थे, तो पहचान में नहीं आ रही है। बदल गई है? अरे हम लोग यहाँ पे आते तब यहाँ पे खाली कच्चिया हुआ करता था, बाकी अपने कच्चे थे। आज तो ऐसे लग रहा है कि हम अयोध्या में है ही नहीं। अच्छा, लोगों को ये भी लग रहा है जैसे वो कहीं और आ गए हो? ये अयोध्या हम लोग बचपन में, हम तो हर मंगलवार को हनुमानगढ़ी आता था, यहाँ जो पढ़ाई के टाइम था, जब मैं बाहर काम करता हूँ मैं, बाद में आया तो मैं खाली भाई को छोड़ने उदयपुर से हमारे मित्र आए हैं, तो हमने देखा अयोध्या तो पलट गई है, हमारे मित्र हैं उदयपुर। इनका फ्रेंड, मैं उदयपुर से आया हुआ हूँ और ये गोंडा से हमें यहाँ पे अयोध्या। पूरी अयोध्या नगरी राममय है। आप इस वक्त अयोध्या में, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि इस वक्त अगर अयोध्या में तो लकीएस्ट है, सबसे ज्यादा लकी। बहुत ही, अपने आप को बहुत ही हम लकी मान रहे हैं, और यहाँ तक ये अनुभूति है। तो देखिए प्रभु श्री राम की नगरी में इस वक्त जब लोग पहुंच रहे हैं तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है मानो वो त्रेता युग में आ गए हों, और जैसा कि अभी एक भक्त बता रहे थे कि रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं जब लोग प्रभु श्री राम के नाम ले रहे हैं यहाँ पर और जब उनके नामों का स्मरण कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि चारों ओर लगातार प्रभु श्री राम के भजन बज रहे हैं, कहीं मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, हर कोई अनोखे अंदाज में प्रभु श्री राम का स्वागत कर रहा है और हर कोई अनोखे अंदाज में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। जैसे प्रभु श्री राम उनके लिए कितने महान हैं, और यही वजह है कि प्रभु श्री राम की भक्ति का एक भी मौका लोग नहीं छोड़ रहे। आप यहाँ पर फूल माला बेच रही है, खरीदारी हो रही है? हाँ हो रही है। आप अयोध्या से हैं? जी। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं? अच्छा महसूस हो रहा है बिल्कुल। तो देखिए ये वो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, जो बेहद खुश हैं क्योंकि इससे पहले शायद इनकी इतनी बिक्री नहीं होती थी, लेकिन अब उन्हें भी ये मौका मिला है कि वो यहाँ पर जो खरीदार आ रहे हैं उन्हें सामान बेच रहे हैं, भक्तों का थोड़ा सेवा भी कर पा रहे हैं। कहाँ से हैं आप? अयोध्या से। अयोध्या से हैं तो अब यहाँ पर खरीदारी बड़ी होगी, मुनाफा हो रहा है आपका? बढ़ेगा क्यों नहीं, जब यात्री आएंगे तो मुनाफा बढ़ेगा। प्रभु श्री राम भी आ गए, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत साल का रिकॉर्ड टूट गया ये। देखिए लोग कह रहे हैं कि उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और जाहिर है जो भी यहाँ पर पहुँच रहा है, हम खुद यहाँ पर मौजूद है श्रुति, और हमें भी वाकई ऐसा महसूस हो रहा है मानो हम स्वर्ग में पहुँच गए हों, और ऐसी अनुभूति शायद ही कभी किसी को कहीं और हुई होगी जो आज अयोध्या पहुंचे लोगों को। रे कहाँ से हैं आप लोग? भोपाल से। भोपाल से आए हैं, कैसा लग रहा है अयोध्या नगरी में? बहुत आनंद है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो चारों तरफ जय श्री राम की गूंज आगे बढ़ते हुए ये देखिए नागेश्वरनाथ मंदिर यहाँ पर मौजूद है। कहाँ से? हम यूपी से। यूपी से आए हैं। अयोध्या में कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है, बाप का घर है, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। यहाँ से आगे कहाँ जाए? मैं राजस्थान प्रतापगढ़ से। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब अपनी खुशी का ठिकाना नहीं रहा यहाँ आने के बाद। जब से सुना था मंदिर बन रहा है तो उसी दिन कसम खाई थी कि जिस दिन मंदिर का मुहूर्त होगा हम वहीं रहेंगे, रामलला को विराजमान करेंगे। हमारे पिताजी वगैरह सब कार सेवकों में, उन्होंने भी हमारे जैसी की उम्र थी तब उन्होंने बहुत सहयोग किया है, वो भी आए थे, तो अब हमें भी उन्हीं से प्रेरणा मिली। कार सेवा में थे जी हमारे, वो भी आए हैं? पिताजी अब नहीं रहे। अच्छा, निमंत्रण मिला है आपको? अच्छा, तो इन्हें निमंत्रण मिला हुआ है, आए हुए हैं। निमंत्रण मिलने के बाद कैसा महसूस हुआ, क्योंकि आपके पिताजी ने भी सेवा किया और शायद आज उनका सपना साकार हो रहा है, वो भी आसपास होंगे, जरूर इस पल को देख रहे होंगे। जी जी, मैं बहुत अच्छा लगा, वो हमारा पूरा परिवार आना चाहता पर मोदी जी ने बोला है, तो एक घर से मैं अकेला खुद आया हूँ पूरे परिवार से। चलिए कम से कम इन्हें ये मौका मिला है कि प्रभु श्री राम लला के प्राणों की प्रतिष्ठा जब होगी तो वो भी देख पाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। हम जेवर ग्रेटर नोएडा से। अयोध्या मजा आ रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा मन लग रहा है, श्री राम की सेवा करने का मौका मिल रहा है, सब शांति सुख के लिए। कैसे आए हैं आप? हम पैदल आए आधे, और आधे हम गाड़ी से ट्रेन से पैदल आ गए थे। क्यों नहीं आते? ये देखिए, ये है प्रभु श्री राम की भक्ति कि कई किलोमीटर से दूर से सफर करते हुए लोग पैदल चले आ रहे हैं। आप कहाँ से? जी मैं अलीगढ़ से आया हूँ। अलीगढ़ से आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा है, और ट्रेन मिली भी नहीं थी, पैदल आ रहे हैं, पर भगवान की इतनी प्रसन्नता थी कि जाना ही तो जाना ही है, जाना है तो जाना है।
बिल्कुल जाना है तो जाना है, किसी भी तरीके से जाना है, क्योंकि अब यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज से थोड़ा पहले ही लोगों को रोक दिया जा रहा है, वाहनों को एंट्री नहीं मिल रही है, लेकिन लोग पैदल आ रहे हैं। और ये देखिए सुरक्षा को लेकर बेहद खास इंतजाम, श्रुति, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, सीआरपीएफ से लेकर आरएसी से लेकर तमाम अलग अलग बटालियन यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ये मंदिर है श्री नागेश्वर नाथ मंदिर, बेहद पुराना ये मंदिर है और कई सारी मान्यताएं इस मंदिर को लेकर भी। जरा व्यापारियों से बातचीत कर लेते हैं, आप लोग यहीं से हैं? हाँ यहीं से है, अयोध्या से। बिक्री हो रही है अब? हाँ बिक्री है, थोड़ा कम है। कम है हाँ। आप बताइए, मंदिर के सामने आपने ये फूल माला की दुकान लगाई है, पहले से अब की तुलना अगर करें तो कितनी बदली है अयोध्या नगर? बदल गई है, विकास हुआ है यहाँ, बहुत हुआ है, मुनाफा हो रहा है। आप हाँ। अब प्रभु श्री राम आ गए हैं, और बढ़ जाएगा, 500 सालों इंतजार करना पड़ जाएगा, अब और बढ़ जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। अब जो यहाँ पर व्यापारी हैं उन्हें भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं व्यापार में भी इजाफा होगा, क्योंकि जिस तरीके से अब यहाँ पर श्रद्धालु बढ़ रहे हैं तो जाहिर है कि उम्मीद लोगों की बढ़ी भी है। और यहाँ पर अगर चारों ओर नजर घुमाकर देखिए तो यहाँ पर विकास तो हुआ है, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि उन्हें खुद ये महसूस नहीं हो रहा है कि चार दिन पहले यही अयोध्या नगरी थी जो अब है, क्योंकि लगातार यहाँ पर तेजी से विकास होता चला जा रहा है। यहाँ पर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया श्रुति, और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि जो सड़क यहाँ पर है वो पहले इतने चौड़े नहीं हुआ किया करते थे, अब धीरे धीरे जो सड़कों का चौड़ीकरण है वो भी तेजी के साथ किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर लोगों में जबरदस्त उत्साह, भक्त उत्साहित है और चारों ओर सिर्फ जय श्री राम के उद्घोष है। श्रुति, बिल्कुल प्रियंका, राम की पैड़ी पे आप खड़ी हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण राम का अवतार लेकर आए थे, और राम की पैड़ी पे कहा जाता है कि भगवान राम इसी पैड़ी से होकर सरयू में जाकर नहा स्नान किया करते थे। और पौराणिक कथा तो वहां कर ये भी है कि जब भगवान लक्ष्मण ने ये ठाना था कि वो सारे तीर्थ स्थान पर जाकर भ्रमण कर आएंगे, तीर्थ स्थानों को देख कर आएंगे, तो सरयू नदी के किनारे भगवान राम खड़े होकर उन्होंने बोला था कि जो इस समय निर्धारित पर यहाँ पर जो स्नान करेगा उसे सारे ही धार्मिक स्थानों की तरह ही भाव, मतलब उसको उसी तरह भाव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका तमाम लोगों से बात करने के लिए, और अयोध्या से सीधे या जो लोग घर पे बैठे हैं उन तक ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही अब बताते चलें कि डिप्टी सीएम बैरवा ने हनुमान मंदिर में सफाई की है। हनुमान मंदिर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं। ग्रेटर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर भी साथ मौजूद हैं, और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। तो साफ सफाई का कार्यक्रम हर कोई कर रहा है, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा हो या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तो उस क्रम में राजस्थान में भी कैसे दिग्गज नेता पीछे छूट जाते। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां जयपुर के मंदिर में वो साफ सफाई करते हुए मौजूद नजर आ रहे हैं, साथ ही आपको महापौर सौम्या गुर्जर भी नजर आ रही है। हर आदमी को काम अलग अलग दायित्व है, उसके हिसाब से काम करता है, लेकिन हमारे में से कोई बड़ा या छोटा नहीं है, हम मानव है, इंसान है, हर आदमी को काम की दृष्टि से उसकी इज्जत और उसका मान सम्मान होता है। तो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि वही काम अगर आप डांट के कराओगे, वही काम आप प्यार से कराओगे, तो निश्चित रूप से वो काम अच्छा होगा और उसमें अच्छी गुणवत्ता भी होगी और उसमें प्यार और समरसता भी बढ़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी, मैंने कहा कि वो खुद पहले जिस काम को लेते हैं हाथ में वो खुद करके फिर संदेश हम सब पूरी दुनिया को देते हैं, और उस संदेश को हम सब क्रियान्वित करके नीचे धरातल तक पहुंचाते हैं। स्वच्छता कर्मी सुबह से लेकर रात तक नाइट ड्यूटी में भी काम करते हैं, और मैं अगर बात करती हूँ जयपुर शहर की और जयपुर ग्रेटर की, 3000 स्वच्छता कर्मी 45-40 लाख लोगों के कचरे, फैलाए हुए कचरे को अगर रोजाना साफ करेंगे तो वो अपना अगर 24 के 48 घंटे भी काम करें तो भी वो उनके लिए कम पड़ेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, स्वच्छता की मुहिम की शुरुआत की, तो उसमें स्वच्छता अकेली एक कोई संस्था का काम नहीं है, स्वच्छता हमारी संस्कार है, स्वच्छता हमारी आदत है, और हम स्वच्छता हमारा आचार और विचार है, व्यवहार है। हमें इसे अपने जीवन में, दैनिक जीवनचर्या में हर आम आदमी को स्वच्छता के लिए सजग रहना चाहिए। हमारा नगर निगम का काम है व्यवस्था देना, डोर टू डोर कचरे के ऊपर दे दिए, झाड़ू लगवाना, पर कम से कम जहाँ स्वच्छता हो चुकी है,
जहां कचरे की गाड़ी जा चुकी है जहां से, तो उसके बाद में कचरा कोई बाहर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं फैलाए, क्योंकि जयपुर की स्वच्छता की रैंक के लिए हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब भागीदार हैं। जयपुर अगर अच्छा करेगा तो हम सबका मान सम्मान बढ़ेगा, जयपुर का अगर खराब प्रदर्शन रहेगा तो हम सबके लिए सोचने का एक विषय रहेगा। तो जिस तरह रामोत्सव मन रहा है, रामोत्सव के तहत 5 लाख दीपक पूरे जयपुर के अंदर जलाए जा रहे हैं, आज शाम को युवाओं के अंदर भी भगवान श्री राम के सुर नजर आएंगे आपको, राम सुर, जहां जहां बुजुर्गों को आपने देखा है, महिलाओं को गाते हुए देखा है, भजन मंडलियों को गाते हुए देखा है, पर पहली बार आप कॉलेज की। और इस बीच टोक से भी आपको खबर बताते चलें कि टोडा राय सिंह के दौरे पर कैबिनेट मंत्री हैं कन्हैयालाल चौधरी, और कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने श्री चार भुजा मंदिर में साफ सफाई की। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी के अभियान के तहत ये सफाई अभियान चलाया गया है। तो टोडा राय सिंह के दौरे पर हैं मंत्री कन्हैयालाल, और साफ सफाई करते हुए आपको टोंक के एक मंदिर में नजर आ रहे हैं मंत्री कन्हैयालाल। बीजेपी का स्वच्छता अभियान चल रहा है और उसी के तहत ये साफ सफाई का कार्यक्रम मंत्री के द्वारा किया जा रहा है। और रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ।